अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे MDCAT का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशंस। सो इससे पहले कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स का जो है वो कमेंट इस चीज़ पे आ रहा है कि हम डेरिवेशन ना करवाएं। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप किसी टॉपिक की बेसिक को नहीं समझेंगे, आप को नहीं पता होगा कि उस टॉपिक में किस किस जगह से किस पॉइंट को आपने ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, तो आपको कभी भी जो है वो MCQs को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो यहाँ पे पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने का जस्ट ये मकसद है कि आपको अगर उस टॉपिक में से कहीं से भी MCQs आ जाए, आपको एटलीस्ट उसकी बेसिक पता हो, ताकि आप उस MCQs को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकें। एंड सेकेंडली, जब आप किसी एकेडमी वगैरह में एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए जाते हैं, तो एंट्री टेस्ट एक वर्ड आता है, ठीक है। अगर आप एंट्री टेस्ट की कर रहे हैं, उसमें ये आप नहीं कहते कि आपने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, तो एक ही का टेस्ट आप तैयार कर रहे हैं। अगर फिजिक्स को देखा जाए, वो MDCAT में भी है, वो ECAT में भी है, ठीक है। आपने GK का टेस्ट देना है, NUST का देना है, कहीं और का देना है, तो आपको फिजिक्स का पोर्शन भी आएगा। सो आपने जो एंट्री टेस्ट में आप जो करते हैं, सिलेबस कवर करते हैं, या आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा ट्रिकी वे में लेके चलते हैं, ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर देना चाहें टेस्ट, तो आप इजीली उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ MDCAT, एक स्पेसिफिकली MDCAT को डिस्कस कर रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिजिक्स के जो MCQs हैं, सिर्फ उनको डिस्कस करते हैं, ना कि हम इन जनरल बाकी तमाम टेस्ट को लेके जो है वो डिस्कशन करते हैं। सो इसीलिए जो MDCAT है वो ज़्यादा ट्रिकी, उसमें फिजिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, टू द पॉइंट पूछा जाता है, इवन बुक के स्टेटमेंट्स को ही यूज़ किया जाता है, तो इस MDCAT के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशन। सो इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है, वो मूव नहीं करी, या अगर मूव कर रही है तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, ताकि उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाए, तो उस चीज़ को कहते हैं कि बॉडी इस टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जिस तरह अभी एक हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, टेबल बना के, ये टेबल इस तरह से बना के इसके ऊपर कोई बॉल प्लेस कर देते हैं, या कोई बुक है, इस तरह से उसको रख दिया गया है। सो क्या होगा कि बुक जो है, बॉल तो फिर भी चूँकि सर्कुलर इसकी शेप है तो ये मूव कर सकती है, लेकिन बुक जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकती, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। इवन अगर आप टेबल भी देखें, टेबल अगर आपने एक जगह पे जाके रख दिया है, अब वो ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर रहा, नहीं कर रहा इट मीन्स वो रेस्ट कंडीशन में है, जहाँ पे रखा हुआ है वहीं पे रहेगा। इसी तरह अगर उसके ऊपर एक बुक रख दी है, वो भी तब तक नहीं मूव करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, रेस्ट कंडीशन में है, और ये रेस्टिंग कंडीशन इसकी कहलाती है इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारे पास किस तरह आता है, कि जब हम फोर्सेस की बात कर रहे हो, कि फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करिए, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी बॉडी की बात करें, उसके ऊपर हर टाइम कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। हर चीज़ पे, चाहे वो रेस्टिंग कंडीशन में है, तो फोर्स एक्ट कर रही होती है। अब इसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, जो कि डाउनवर्ड है, कोई ना कोई फोर्स इसके अपवर्ड भी इसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, और बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही, दैट्स व्हाई उसको इक्विलिब्रियम में कहा गया है। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि एक बॉडी जो कि मूव कर रही है, लेट सपोज एक कार की बात कर लेते हैं, अब इसकी जो वेलोसिटी है वो हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली उसमें इंक्रीज आ रहा है, और अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, कि अगर यहाँ पे इंक्रीज है, पहले ये 0 मीटर पर सेकंड थी, देन क्या हुई 2 मीटर पर सेकंड,
फिर 4 मीटर पर सेकेंड. सो एक इसमें यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रहा है कि 2-2 का जो है वो इंक्रीज आता जा रहा है. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में भी क्या होगा कि हम कहेंगे जो बॉडी इस टाइम मूव कर रही है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. अब हमारे पास इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक उसकी फर्स्ट कंडीशन है, एक उसकी सेकेंड कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा जाता है कि जितनी भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए. यानी कि जिस तरह अभी हमने बुक को डिस्कस किया था कि एक डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, एक अपवर्ड एक्ट कर रही थी, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 1 और 2, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं. इट मीन्स ये जीरो हो रही हैं. तो अगर हम इनको ऐड करें, इसका मकसद ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि जब फोर्सेज जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं उनका सम लिया जाए, जो कि ये समेशन साइन है, वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो वो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगी. फर्स्ट कंडीशन. सो फर्स्ट कंडीशन से अब हम आगे क्या फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये काम तब हो सकता है कि हम जब बात करें कि फोर्सेस जो एक्ट करी हैं बॉडी पे वो कोप्लेनर है फोर्सेस हैं. अब उनका जो मेन पॉइंट है वो एक सिंगल वन होना चाहिए. लेट सपोज अगर कोई भी यहाँ पे हम ब्लॉक ले लेते हैं. अब हम कहते हैं कि एक फोर्स इसके इस साइड पे एक्ट कर रही है, एक इस साइड पे एक्ट कर रही है, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है कि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहे. तो क्या होता है कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही हैं उनका पॉइंट सेम है, वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, ठीक है, और यहाँ से वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. सो ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं, और फर्स्ट कंडीशन के लिए मस्ट है कि हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस होनी चाहिए. अदरवाइज क्या होता है कि इस तरह भी हो सकता है कि एक फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है. अब क्या हुआ कि इनका जो सम ये एक दूसरे के इफेक्ट को अब कैंसिल नहीं कर रही, सो ये मस्ट है कि वो कोप्लेनर फोर्सेस होनी चाहिए. अब क्या हुआ कि अगर कोप्लेनर फोर्सेस हैं तो हम कि अगर यहाँ पे एक्सिस को डिस्कस करें कि लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है और हम जो इस साइड वाली वैल्यूज को लेते हैं एक्स एक्सिस पे वो होती हैं पॉजिटिव. इसी तरह यहाँ पे लेते हैं वाई एक्सिस को और ये जो अपवर्ड साइड है यहाँ पे वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव, जबकि उनके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हम इसको नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं और इसमें सारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती हैं. इसी तरह यहाँ पे जो एक्स एक्सिस आता है इसको हम नेगेटिव लेते हैं और यहाँ सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं. अब अगर देखें कि लेट सपोज हम कहते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स इस साइड पे लगाई गई और 5 न्यूटन इस साइड पे लगाई गई, तो क्या हुआ कि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं और ये नेगेटिव वैल्यूज हैं. अब जब हम इनका सम लेंगे और ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ये लग रही हैं, तो क्या करेंगे कि समेशन लेंगे उन फोर्सेस का जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रही हैं. अब क्या बनेगा, 5 माइनस 5, चूंकि हम ऐड कर रहे हैं तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि ऐड किया दोनों को, लेकिन पहली वाली प्लस 5 वैल्यू थी और सेकंड है -5. सो क्या हो गया कि जब हमने इनका समेशन लिया है वो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए. इसी तरह अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे क्या है कि हम यही कह देते हैं कि लेट सपोज 10 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड से लग रही है एंड 10 न्यूटन डाउनवर्ड लग रही है. सो क्या हो जाएगा कि 10 प्लस माइनस 10, सो इट विल बी 0. सो फर्स्ट कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस जो कि किसी एक डायरेक्शन में लग रही हैं, सॉरी एक डायरेक्शन में नहीं, एक एक्सिस के अलोंग लग रही हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि उनका सम 0 के इक्वल आना चाहिए. इसको इन जनरल इस तरह भी लिखा जा सकता है कि जो तमाम फोर्सेस हैं बॉडी पे एक्ट कर रही वो 0 होनी चाहिए. यहाँ पे एक्स वाई सिर्फ एक्सिस के थ्रू लिखा गया है कि अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग कर रही हैं तब भी वो 0 होनी चाहिए, अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तब भी 0 होनी चाहिए. लेकिन इन जनरल जो कंडीशन है वो क्या है कि जितनी भी फोर्सेस हैं चाहे वो अपवर्ड हैं, डाउनवर्ड हैं, लेफ्ट हैं, राइट हैं, वो तमाम का सम जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, ये हम तब कहेंगे जब इंडिविजुअली बात कर रहे होंगे कि सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग जो है वो फोर्सेस 0 है.
फिर सेकेंडली नेक्स्ट के अलोंग भी जीरो है, लेकिन कंडीशन बेसिकली क्या है कि जितनी भी फोर्सेज हैं यानी एक टाइम में बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा डायरेक्शन में भी अप्लाई हो रही होती है फोर्स, सेम टाइम में हम अगर कह दें कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, वाई के अलोंग भी हो रही है, तो इन सब का सम जो है वो जीरो होना चाहिए, तो ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि अभी तो जस्ट फोर्सेस को डिस्कस किया कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट है कि तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर फोर्सेस एक ही पॉइंट से नहीं ओरिजिनेट हो रही और ये क्या कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही है, तो इस डिफरेंट पॉइंट से क्या होगा कि ये बॉडी ऑटोमेटिकली रोटेट करना शुरू कर देगी। अब जब ये रोटेट करेगी इट मीन्स इसमें ये जो फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं, टर्निंग इफेक्ट कॉज कर रही हैं, टर्निंग इफेक्ट। अब ये टर्निंग इफेक्ट क्या है बेसिकली, दैट इज टॉर्क। सो ये टॉर्क क्या है कि अगर हम किसी बॉडी को कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में उसको होना चाहिए तो इट मीन्स कि उसका जो टॉर्क है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होनी चाहिए, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी फोर्सेस एक्ट कर रही हों, वो तो एक दूसरे के इफेक्ट को पहले ही कैंसिल कर रही हैं लेकिन ये इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रही थी जिसकी वजह से बॉडी टर्न कर सकती है। सो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर मीन्स कि जब बॉडी टर्न करेगी इट मीन्स वो रोटेट करना शुरू कर देगी, रोटेट करेगी तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। सो एंगुलर एक्सीलरेशन से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो बेसिकली हमारे पास जो ये एंगुलर एक्सीलरेशन है ये जीरो होना चाहिए एंड जो टॉर्क का सम है वो भी जीरो होना चाहिए, तब हमारी जो है वो सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब टॉर्क के केस में भी क्या होता है कि हम दोनों तरह से इसको लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा हो, सो समेशन ऑफ ऑल टॉर्क विच इज प्रोड्यूस इन द एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इसी तरह अगर वाई के केस में है तो वो भी जीरो होना चाहिए, और अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इन दोनों का ओवरऑल जो समेशन है टॉर्क का वो जीरो होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि उसके अलोंग जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे वो ज़ीरो हो रही हैं, लेकिन अगर उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में। सो बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए मस्ट है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और यहाँ से हमारा MCQs बनता है कि समटाइम इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपको लिखा होता है कि जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने की जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, किसी में इस तरह दिया होता है कि अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें ए बी सी एंड डी, सो अगर यू दिया हुआ है इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये आ गया, सेकंड में आ गया, सो ये इस तरह से, देन नेक्स्ट अगर हम देखें एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, सो क्या होगा कि अगर आपको ये लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम को जो है अटेन करने के लिए कौन सी कंडीशन है, अगर स्पेसिफिकली पूरा इक्विलिब्रियम का वर्ड है तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा कि जब तक ये दोनों इक्वल्स इन दोनों का सम जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो सकता। अगर सिर्फ ये लिखा है कि सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन है तो आप इसको मार्क नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सेकेंड कंडीशन में ये कहा जाता है कि टॉर्क जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इन एक्स डायरेक्शन या इन वाई डायरेक्शन वो
जीरो होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि एक आपको बता दिया गया कि आपने सिर्फ सेकंड बतानी है या फर्स्ट बतानी है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें भी क्या है कि आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो सम ऑफ फोर्सेस हैं इन एक्स डायरेक्शन या इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को क्या होना चाहिए, तो फोर्सेस का सम जो है वो जीरो होना चाहिए। सो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये ग्रीन जो हुआ वे पोर्शन, उसमें दो इंफॉर्मेशन दी गई हैं। एक तो ये है कि अगर हमारे पास बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में उसके जो इक्विलिब्रियम का नेम है दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कि वो स्टैटिक है, साकिन है, खड़ी हुई है, ठहरी हुई है, ठीक है। सो रेस्टिंग कंडीशन से ही पता चल जाता है कि वो स्टैटिक है, तो हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इस तरह से कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो या उसकी जो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम को अटेन कर रही है बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के टॉर्क जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो जीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो मूविंग कंडीशन में उसका इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है उसको कहेंगे दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। सो इस टॉपिक से हमारे ये तीन एमसीक्यूज बनते हैं। पहला ये कि इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, सो इसको डिवाइड किया जा सकता है तीन चार एमसीक्यूज में कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन किस तरह से सेटिस्फाई होगी जब दोनों चीज़ें दोनों का सम जो है वो जीरो होगा, यानी टॉर्क और फोर्सेस का। इस तरह से खाली अगर फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन का पूछा जाए तो सेकंड कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन इन दोनों को मिला के बनती है। सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि अगर एक्स डायरेक्शन में है तो ये फोर्सेस जो हैं वो क्या होनी चाहिए, इनका सम क्या होना चाहिए। इसी तरह से जो रेस्टिंग कंडीशन में इक्विलिब्रियम अगर अटेन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर मूविंग कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम को अटेन कर रही है तो उस केस में उसका नाम होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो ये था हमारा टॉपिक।